Hello students, today we will start our third chapter, freedom movement. Okay, take off chapter 3, page number 5. Important dates in the history of freedom struggle. यहाँ पे आपको देखो डेट्स मीन्स ईयर्स है ना, खास खास ईयर दिए हुए यहाँ पर कि ये वाले ईयर में जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए है ना. आप लोगों को सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ा है सबने कि देश को आजाद करने के लिए जो है किस प्रकार से लोगों ने प्रयास किया था. ठीक है, इंडिपेंडेंस लेने के लिए कैसे जो है उन्होंने, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1857 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, देश की आजादी का पहला वॉर हुआ था, पहला युद्ध हुआ था. जो शासक में आपको बताते हैं तो लक्ष्मीबाई और दुर्गावती ये सब लोग थे ना, राजा लोगों का शासन था पहले, तो उन लोगों ने जो है पहला युद्ध जो है अंग्रेजों के साथ किया था. ठीक है, फिर धीरे 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 करके जो है वो लोग कुछ नहीं कर पाए. उसके बाद में फिर क्रांतिकारी आए है ना, जो है ये भगत सिंह, सुखदेव है ना, ये लोग भी संख्या में कम थे इसलिए लोग भी इतना सब नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे एक दूसरे से. तो उसके बाद फिर जो है वो जितने हमारे नेता लोग है ना, जितने भी लोग हैं वो सब लोग आए थे, फिर उन्होंने जो है उनके प्रयासों से हमको आजादी मिली थी. पता है सबको, हिस्ट्री में पढ़ा है, वैसे भी लास्ट ईयर भी मैंने समझाया था आप लोगों को. ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1850, कौन सा ईयर है 1857. खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1929, पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट लाहौर कांग्रेस है ना. पहले कांग्रेस पार्टी एक ही थी, तो सब लोगों ने मिलकर जो है रावी में जो है वो कंप्लीट फ्रीडम के लिए है ना, पूर्ण स्वराज्य जिसको बोलते हैं है ना, तो उसके लिए जो है कि हम अपने देश को आजाद करके रहेंगे, ऐसे सारे लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर, तो लाहौर में है ना, कांग्रेस के सारे लोग जितने नेता थे हमारे आगे वो सब, पहले सारे जितने भी हमारे लीडर्स थे वो सब किसमें थे, कांग्रेस में थे, क्योंकि एक ही पार्टी थी है ना. तो उन्होंने लाहौर में जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है वो डिक्लेयर किया था. ठीक है, 1930 दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, लास्ट ईयर समझाया था आपको जब हमारी टॉक हुई थी ना, जबकि दांडी मार्च जो है वो कब हुआ था. ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या समझना है कि दांडी मार्च किसने किया था, महात्मा गांधी ने. क्यों किया था दांडी मार्च, क्यों किया था, देखो पहले अंग्रेज हमारे देश में थे तो उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था बहुत सारा. ठीक है, तो उसके लिए जो है गरीब लोग बहुत ही परेशान हो गए. ठीक है ना, तो गांधी जी ने उसके लिए जो है स्ट्रगल किया और उन्होंने साबरमती आश्रम से जो है और दांडी तक, दांडी मतलब सूरत के आगे आप लोग जाते हो ना, नौसारी, नौसारी से आगे आता है दांडी, दांडी करके जगह आती है समुद्र के किनारे, वहां तक उन्होंने, वो वहां से वहां तक जो है वो पैदल गए थे चल के, और वहां पर जो है उन्होंने बोला था कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया है ना. तो तब से जो है अंग्रेजों ने उसके ऊपर से टैक्स हटा दिया था, क्योंकि वो टैक्स बहुत लेते थे और गरीब लोग जो है वो टैक्स नहीं दे पाते थे, इसलिए उसको बोलते हैं दांडी मार्च. ठीक है, तो दांडी मार्च तब हुआ 1930. ओके, नेक्स्ट वन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको आप लोग, हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे उन्होंने सब लोगों ने आवाज उठाई थी, लोगों ने, भारत के लोगों ने आवाज उठाई थी इन 1942. ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस 1940, वो तो पता है सबको, 15 अगस्त 1947. समझ में आया सारी डेट्स, ईयर्स डेट्स नहीं है यहाँ पे, ईयर्स हैं, तो ये आपको मैच करने के लिए आता है और आपको सामने आंसर लिखने के लिए आता है कि कौन से ईयर में हुआ था ऐसे है ना, तो ये आपको, और फिलअप्स में भी आता है तो आपको उसी हिसाब से लर्न करना है. बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स. खिलाफत मूवमेंट ऊपर पढ़ाया आपने, कब हुआ था वो, इन 1920. ओके, लीडर उसका कौन था खिलाफत मूवमेंट का, अली ब्रदर्स. ओके, सेकेंड वन, महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ चौरी चौरा, चौरी चौरा करके जगह है वहां पर,
जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद वहां पर उन्होंने नॉन कॉपरेशन, मतलब हम जो है तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ, है ना, वो उन्होंने किया था। तो वो आफ्टर द इंसिडेंस, जो चोरी चोरों का इंसिडेंस हुआ था उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, ठीक है। द दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, दांडी मार्च अभी समझाया मैंने, दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था, फ्रॉम द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहां पर पता है, अहमदाबाद में, है ना, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, है ना, नमक का कानून तोड़ने के लिए शुरू किया। फोर्थ नंबर, डैश वॉज बीटन, उनको मारा गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना, तो वो थे, और उनको जो है साइमन कमीशन का जो भगत सिंह वाली आपने मूवी देखी होगी उसमें बताया था, बराबर है, प्रोस अगेंस्ट साइमन कमीशन एंड लेटर डाइड ड्यू टू द इंजरीज। तो फायरिंग का जब वो वहां पे अपनी स्पीच दे रहे थे लाला लाजपत राय, बराबर है, तो उन्होंने जो है वो फायरिंग का ये किया, तो उसमें जो है उनको बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या आंसर आएगा आपका, लाला लाजपत राय। आ गया समझ में नाम, नेक्स्ट पेज, सिक्स नंबर, डैश वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट द जलियांवाला बाग। ये तो सुना होगा सबने, बराबर है, जलियांवाला बाग में जो है वो ये लोग अपना जो है ये कर रहे थे, जुलूस वगैरह निकल रहा था वहां पे, तो जितने भी नेता लोग हैं वहां पर सब अपना भाषण दे रहे थे, तो इन लोगों को पता चला अंग्रेजों को, तो उन्होंने क्या किया था, फायरिंग का आदेश दिया वहां पे, और उसमें लगभग जो है अराउंड अबाउट 20,000 लोग जो है एक साथ मारे गए थे। तो ब्रिटिशर कौन था, जनरल डायर, ठीक है, यहां तक आया समझ में सबको, ठीक है। डैश वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का के फादर का नाम हुआ, टीपू सुल्तान के जो है ये अपने इधर का मैसूर का जो है राजा था, ठीक है ना, जब राजाओं का शासन था तब, तो द फादर ऑफ टीपू सुल्तान वॉज हैदर अली, ओके। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज, अब इसका बहादुर शाह जो है वो कौन था, लास्ट मुगल एम्परर था, है ना, लास्ट राजा जो था, आप लोगों को ऐसे ऐसे क्या आएगा कि मुगल्स एरा कब से शुरू हुआ था, है ना, तो बाबर से लगा के और लास्ट वन था बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, जिसने कि बहुत दिनों तक शासन किया, उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, कांग्रेस बनाई, मैंने बताया ना एक ही पार्टी बनी थी, तो कांग्रेस की पार्टी कौन सी ईयर बनी, इन द ईयर ऑफ 1885, ओके, सारे जो हमारे लीडर थे, नेशनल लीडर्स जितने भी थे वो सब उस पार्टी के अंदर थे, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी पार्टीज देखते हो, अभी इलेक्शंस होते हैं तो कितनी सारी पार्टी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है ना, तो अभी बहुत सारी पार्टी बन गई, पहले जो एक ही थी पार्टी कांग्रेस, है ना, तो सबसे पहले उसको जो है ये किया था, बनाया था, एस्टेब्लिश किया था, वो था 1885, ओके। टेन नंबर, ये तीन व्यक्तियों के नाम एक साथ आते हैं, लाल बाल पाल, आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, तो आप लाल में क्या लिखोगे, लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगा, लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल, और लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और गंगाधर तिलक, ये तीन लोग जो ऐसे थे जिनके के नाम हमेशा एक साथ लिए जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, इनको तीनों को, और ये इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। आ गया चैप्टर समझ में, तो इतना जो है वो सब आपको CWHW सब में लिखना है।